मारुति सुजुकी ने एक बार फिर से अपनी ब्रांड न्यू कार को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस गाड़ी में आपको बहुत से न्यू फीचर्स को मिलेंगे, जैसे कि लेड हेडलैम्प, टाइम रनिंग, 3 ब्लॉक टेल लैम्प और HVAC कंट्रोल मिलता है। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये जो गाड़ी है वो शायद आपके दिल को छू ले, क्योंकि ये जो गाड़ी है उसका इंतजार लोगों को बहुत दिनों से था। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते। इनोवा को पिचक देगा मारुति एक्सेल 7 का प्रीमियम लुक। 24 kmpl के माइलेज के साथ दमदार इंजन, कीमत कम, फीचर्स हद से ज्यादा। आए दिनों मारुति कार कंपनी अपने नए SUV को लॉन्च करते ही रहती है, जो अपने प्रीमियम लुक से लोगों के मन को लुभाते ही रहती है। हाल ही में सुजुकी ने ग्लोबल मार्केट में एक्सेल 7 लॉन्च करने वाला है, जिसे हाल ही में जकार्ता में हो रहे इंडोनेशिया इंटरनेशनल मोटर शो कंपनी पेश किया है। भारत में एक कब तक उपलब्ध होगा फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। आज हम आपको इस नए वेरिएंट के दमदार इंजन और माइलेज के बारे में बताएंगे। मारुति एक्सेल 7 के शानदार फीचर्स की बात करें तो आपको बता दे कि मारुति सुजुकी की सभी गाड़ियों को भारत में पसंद किया जाता है। इस मारुति सुजुकी के नई कार में 7 इंच का स्मार्ट प्ले स्टूडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री और एक पुश बटन स्टार्ट भी देखने को मिलेंगी। मारुति एक्सेल 7 के लग्जरी डिजाइन की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक मारुति एक्सेल 7 में कार की ग्रिल, अगले बम्पर, फॉग लैंप्स पर ब्लैक पुर्जे दिए जाएंगे। वहीं व्हील आर्ट्स और डोर सिल्स के अलावा ORVM और पिलर्स पर क्लैडिंग दी जा सकती है। साथ ही इसे के अलावा पूरी तरह ब्लैक्ड आउट रूफ, डुअल टोन अलॉय व्हील्स और L-शेप LED टेल लैंप्स इस नए वेरिएंट बेहद ही आकर्षक बनाएंगी। अगर बात मारुति एक्सेल 7 के माइलेज की बात करे तो बता दे तो कंपनी इस कार 19 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज का दावा करती है। साथ ही इसके दमदार इंजन की बात करे तो कार के साथ पहले जैसा 1.5 लीटर के 15B नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया जा सकता है, जो 104 bhp की ताकत और 138 नॉटिकल माइल्स पीक बनाता है। कंपनी ने इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया है, जो कार की 24 kmpl का बेहतरीन माइलेज परफॉर्मेंस को शानदार बनाता है। मारुति के इस नई SUV के कीमत अगर बात करें तो यह आपको दो वेरिएंट्स के देखने को मिलेंगी, जिसकी शोरूम कीमत की बात करें तो मारुति सुजुकी ने अल्फा FF के मैनुअल वेरिएंट की कीमत तकरीबन 15.52 लाख रुपए और जो ऑटोमेटिक वेरिएंट के लिए 16.10 लाख रुपए हो सकती है। यह मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिल सकती है और इसका मुकाबला अर्टिगा और किया करेंस, इनोवा जैसी SUV से देखने को मिलेगा।